में इलेक्शन कंटेस्ट करने का एक ही एक हमारा इरादा है कि हमारी नुमाइंदगी और हमारा रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होना चाहिए। विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन का माना यह है कि हमारे इश्यूज़ को लेकर वहाँ पर बहस हो, बजट में हमारी हिस्सेदारी हो और हमारी जो शेयर है वो हमें हासिल हैं। ये DJLD KJLD में भी याद ऐसा हुआ था, इसी किस्म का हुबली में भी हुआ। हुबली के अंदर हमने जैसे ही हादिसा हुआ उस वक्त में बार बार यहाँ के अंजुमन से और दूसरे लोगों से हमने बातचीत की है। अंजुमन अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कोशिश कर रही है। हाल ही में जो है अभी 3-4 महीनों में इंतखाबात होने वाले हैं MLA से, आपने क्या नुमाइंदे तैयार किए हैं SDP की जानिब से और आपका क्या एम है और आप क्या करना चाहते हैं आगे आने वाले दिनों में, जो है आपके अगर पार्टी आई या हुबली शहर से जो आप किसके नुमाइंदा करार किए हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन 12 साल से हिंदुस्तान के अंदर सियासी तहरीक चला रही है। शुरुआत तो मुसलमान किए थे लेकिन अब इसमें दलित हैं, लिंगायत हैं, वक्कलिगा हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम मज़हब के लोगों को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा 2 तरीक़ा है काम करने का, एक इंतखाबी तरीक़ा है और एक एहतजाजी तरीक़ा है। 5 साल हम एहतजाजी तरीक़ा करते हैं, 5 साल में एक मरतबा जब भी इंतखाबात आते हैं उसमें हम हिस्सा लेते हैं। 300 से ज़्यादा ग्राम पंचायत मेम्बर्स हम कामयाब कराए हैं। 5 जगह पर ग्राम पंचायत का गवर्निंग काउंसिल है और 34 हमारे काउंसलर्स और कारपोरेटर्स हैं और इस मरतबा असम्बली इंतखाबात में भी हम हिस्सा लेने जा रहे हैं। सर्वज्ञ नगर असम्बली में मेरा वहाँ पर मैं कंटेस्ट करने जा रहा हूँ, अब्दुल हन्नान बेंगलोर से, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब वो मैसूर से NR क्षेत्र से कंटेस्ट करने जा रहे हैं और बेंगलोर के पुलिकेशी नगर असम्बली से हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी BR भास्कर साहब कंटेस्ट करने जा रहे हैं। ऐसे तकरीबन 11-12 नाम हम डिक्लेयर कर चुके हैं। तकरीबन 50 कैंडिडेट्स हमारे वेटिंग लिस्ट में हैं। 10-15 दिन के अंदर हम उनका भी नाम ऐलान करेंगे। इसी तरीके से हुबली में हमारा आज का आना यहाँ पर एक ऑफिस का ओपनिंग भी था और हमारी इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, तो आइंदा 10-12 दिन के अंदर हम यहाँ पर भी हमारा कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे। 2-4 नाम हमारी लिस्ट में हैं और उसमें से थोड़ा काउंसलिंग पार्ट चल रहा है, फौरन हम डिक्लेयर करेंगे। असम्बली में इलेक्शन कंटेस्ट करने का एक ही एक हमारा इरादा है कि हमारी नुमाइंदगी और हमारा रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होना चाहिए। विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन का माना यह है कि हमारे इश्यूज़ को लेकर वहाँ पर बहस हो, बजट में हमारी हिस्सेदारी हो और हमारी जो शेयर है वो हमें हासिल हो, तो ये चीज़ों को लेकर हम हिस्सेदारी ले रहे हैं। अच्छे वोट मिलने की, कामयाब होने की उम्मीद है। आपने अपने टीम की जानिब से जो है बच्चों का जो मामला पेश हुआ सर, तो आपने अब तक उसके लिए क्या कोशिश की है सर, आपको बच्चों के लिए हुबली के इश्यू के बारे में बोल रहे हैं? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये DJLD KJLD में भी याद ऐसा हुआ था, इसी किस्म का हुबली में भी हुआ। हुबली के अंदर हमने जैसे ही हादिसा हुआ उस वक्त में बार बार यहाँ के अंजुमन से और दूसरे लोगों से हमने बातचीत की है। अंजुमन अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कोशिश कर रही है और हम हमारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो हम लीगल उनको असिस्टेंस दे सकते हैं और उसके अलावा जो भी घरों तक जाकर रिलीफ का काम कर सकते हैं ये हम कर रहे हैं। आइंदा दिनों में बहुत जल्द ये रिलीज़ होना ज़रूरी है। इसमें कौन सी चीज़ आड़ आ रही है, ये चीज़ पॉलिटिक्स है। ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से ये तमाम चीज़ें चल रहे हैं और हमारे अंदर अच्छे एडवोकेट्स की कमी है, लीगल एक्टिविज़म की कमी है। एक दूसरे बैठकर एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चलने की, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स की कमी है। ये चीज़ों को हमें और टेक करना है और कम होना है। मुल्क में अगर अमन अमान आना है तो सबको जॉब मिलना है, महंगाई ख़त्म होना है और तमाम मज़हब के इबादत गाहों का रेस्पेक्ट होना है। तमाम रिलीजन को, तमाम लैंग्वेजेस को, तमाम कैस्ट के लोगों को जब तक रेस्पेक्ट देंगे उस वक्त तक अमन क़ायम नहीं होगा। अमन क़ायम होने का इरादा उस वक्त में टूट जाता है जब पैसे देकर कैंडिडेट बनाए जाते हैं और पैसे लेकर चौधरियों को बूथ एजेंट्स बनाए जाते हैं। उस वक्त में 5 साल का बना बनाया इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है और फिर प्लेटफॉर्म पर बेसिक एम्यूनिटीज़ के बारे में, सिविक एम्यूनिटीज़ के बारे में बात करने की बजाय हिंदू मुस्लिम मसान और खबरस्तान अल्फाज जब आते हैं तो अमन टूट जाता है। अमन को कायम रखने के लिए
गरीबों की, मजदूरों की, पसमानदा तबकात की, दलितों की, मुसलमानों के इश्यूज़ को जब उठाएंगे तब जाके इत्तेहाद कायम होगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक, कर्नाटक राज्य कड़े 13 वर्ष तनदे छापन मूडस्त बंद बहुश बाबा साहेब अंबेडकर कनसु, बसवण्णवर कनसु, टीपू सुल्तान कनसु, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರೋಟಿ ಕಪಡ ಮಕಾನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು, ಎಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸರ್ವ ಜಾತಿಯವರು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ದಲಿತ ಸಮಾಜದವನಾಗಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಂತಹ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆ ಪಕ್ಷ ಬೇಡವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಸ್ಡಿಪಿ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಅದು SDP ಆಗಿದೆ। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು। 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP JDS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ನಾನು ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀನಿ। ಆ ಗುಲಾಮಗಿರಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಜಾತಿಯವರಿಗೆ, ಸ್ವಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾಯಕರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ, ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ, ದಮನಿತರಿಗೆ, ಶೋಷಿತರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದು SDP ಪಕ್ಷ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ SDP ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ। 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಜನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಜನರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡೀವಿ। ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJPಯವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿ, ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರ ವಿಂಗು ಇವ್ರ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಾರ್ದು। ಇದು ಯಾರ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜನರಿಗಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ।